तो भाई पिछले कुछ दिनों में तुमने ऐसा हल्ला मचाया है ना, ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग, कि मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के इनके ऊपर वीडियो बनानी ही पड़ गई, जो मैं प्लान भी नहीं कर रहा था बनाने का। क्योंकि ऑलरेडी BGS के टाइम पे मैंने 2 महीने पहले अपने दूसरे चैनल पे वीडियो डाल के इनकी सच्चाई दिखा दी थी, और वो वीडियो बनाने से पहले मैंने एक डेडिकेटेड लाइव स्ट्रीम करी थी जहाँ पे इनके प्लेयर्स की चैट सामने रखी थी, जहाँ पे इनका जो गॉड बॉट है वो हैक खरीदने की और यूज करने की पूरी तरह से बातें कर रहा था। और ये सारी बातें रखते हुए जिस बंदे ने इनकी चैट लीक करी थी वो बंदा भी मेरे साथ स्ट्रीम पे मौजूद था, और मैंने इनको बार बार बुलाया कि अगर तुम कोई भी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो, अपनी बात रखना चाहते हो, तो स्ट्रीम कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वही स्ट्रीम करने का पर्पस होता है। अब ये चैट बाहर आने के बाद में इसमें इतना क्लियर हैक यूसेज की बात थी कि ये लोग बच सकते नहीं थे, तो इन्होंने प्लान बनाया। और मेरे इस वीडियो का जवाब देते हुए एक्लिप्स ने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो डाली जहां पर उन्होंने ये पॉइंट एड्रेस करा, ये बोलते हुए कि ये चैट तो गॉडबॉट के दोस्त के साथ की है और वो दोनों एक ही टूर्नामेंट में खेल रहे थे, जिसमें गॉडबॉट की टीम 9th पोजीशन पे थी और इनकी टीम, इसके दोस्त की टीम, 8th पोजीशन पे थी। और अगर गॉडबॉट ये निकलवा लेता कि ये लोग हैक कर रहे थे, तो इसके दोस्त की टीम एलिमिनेट हो जाती, इनकी टीम 9th से 8th पे पहुंच के क्वालिफाई हो जाती। इस वजह से उल्टा हैक्स की बातें निकलवाने के लिए गॉडबॉट ने उसको ललचाया। काफी फेयर पॉइंट है वैसे भी यार, जो हैक करके दूसरों का गेम बर्बाद कर सकता है वो अपने दोस्तों को भी क्या ही सगा होगा। तो एक बार को डेटॉल पी के ये मान लेते हैं कि ये बात सच है और गॉडबॉट एकदम इनोसेंट है, उसने खुद हैक नहीं लगाया, वो तो ऐसे ही उसको पकड़वाने के लिए कर रहा था बातें। लेकिन फिर आगे चल के गॉडबॉट खुद ही अपने हैक वाले मैसेजेस अनसेंड क्यों करने लगा, ये भाई एक्लिप्स की 19 मिनट की वीडियो में दिखी नहीं बात कहीं पे भी होती हुई। और ये ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के प्लेयर्स एलिगेशन लगने के बाद में BGIS के टाइम पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी से डिस्कॉर्ड पे बात करने गए थे, जहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ने सेम बात इनसे पूछी, तो देखो गॉडबॉट ने इसका क्या जवाब दिया। तो मैं फिर फिर अनसेंड क्यों कर दिया आपने इंस्टाग्राम? अनसेंड इसलिए किया क्योंकि वो लिख कर रहा था हर जगह पैनिक हो के मैं अनसेंड कर चुका था। इस चीज में आपको क्यों पैनिक होना है, लाइक अगर उसको एक्सपोज कर रहे थे? भाई मेरी समझ यहाँ पर थोड़ी सी कम पड़ गई है, मुझे यार समझने में मदद करो तुम लोग। गॉडबॉट अपने दोस्त को एक्सपोज करने के लिए गया और उससे हैक की बातें निकलवाने की उसने कोशिश करी, लेकिन फिर गॉडबॉट ने खुद ही अनसेंड कर दी और उसका जो दोस्त था वही चैट लीक करने लग गया और गॉडबॉट खुद ही पैनिक हो गया। मतलब ये तो वही बात हो गया यार कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिस गई और पुलिस खुद ही पैनिक हो गई एक चोर को देख के, और तुम्हारा दोस्त जिसको तुम एक्सपोज करने गए थे वही तुम्हारी चैट लीक करने लग गया, उसको कोई भी डर नहीं लगा, लेकिन तुम जो एक्सपोज करने के लिए गए थे तुम अनसेंड भी मार रहे हो, तुम पैनिक भी हो रहे हो, और क्यों हो रहे हो तुम्हें पता नहीं। भाई बेवकूफ समझाएगा बिल्कुल ऑडियंस को। अब इसके बाद में सेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी की वीडियो में एक और बहुत बढ़िया बात हुई। यहाँ पे पहले तो इनको समझ में नहीं आया कि गॉडबॉट पैनिक क्यों हुआ, उसके बाद गॉडबॉट को ही जब बोला गया कि यार डिवाइस चेक करवा दो, अपने सेटिंग्स खोल के दिखा दो, जब ये लोग अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने आया तब की बात चल रही है, तब इनमें से कोई भी बंदा डिवाइस चेक के लिए नहीं आया, जिसके बारे में अभी तुम्हें अच्छे से बताऊंगा 2 मिनट बाद। लेकिन एक्लिप्स ने जो 19 मिनट की वीडियो अपलोड करी उसमें बहुत ही सरल शब्दों में एक्सप्लेनेशन दिया इस बात का कि ये क्यों डिवाइस चेकिंग के लिए नहीं आए थे, पहले वो सुनो एक बार। जितने भी मतलब थर्ड पार्टी जो ऑर्गेनाइजर आए हैं हमारे पास जिसके हम टूर्नामेंट खेलते, उन्होंने बोला है ना कि आपका डिवाइस दिखाओ, हम चारों ने उनको डिवाइस दिखाया है। अभी इस बात पे स्पेशल ध्यान देना कि इसने खुद बोला हम चारों ने डिवाइस दिखाया हर बारी जितने भी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजर्स आए हैं। बट आज तक ना सुनील भाई किसी ने ये नहीं बोला कि आप अपना व्हाट्सएप दिखाओ। जब हम डिस्कॉर्ड पे गए थे उन्होंने बोला था गॉड को कि आप अपना डिस्कॉर्ड ये डिवाइस दिखाओ, तो गॉड ने बोला था कि आपको क्या देखना है, ऐसा आपको मेरा डिवाइस क्यों देखना है? तो उन्होंने बोले कुछ नहीं, आपका बैटरी देखेंगे एंड आपका व्हाट्सएप देखेंगे। तो गॉड ने सीधा वहाँ पे बोल दिया था कि मैं नहीं दिखाऊंगा, मेरी प्राइवेसी इशू है, मैं नहीं दिखाऊंगा। अभी इन्होंने बोला कि व्हाट्सएप देखने के लिए बोल रहे थे, अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी की डिस्कॉर्ड मीटिंग थी। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी ने ही 2 दिन पहले क्या जवाब दिया इस बात पे इसके रिस्पांस में, वो सुनो। तो भाई या तो तुम एक तरफ रह लो या फिर अपने आप को ही तुम लोग यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करते रहते हो। तो भाई पहली बात ये है, जो मेरी वीडियो है आप लोग उसको दोबारा जाके देख सकते हो बिना किसी कट के, बिना किसी कट के ये बात साफ साफ बोली गई है कि हमें तुम्हारे मोबाइल की सेटिंग्स देखनी है, और तुमने क्या बोला है, हम नहीं दिखाएंगे। जब तुमने ये बोला है हम नहीं दिखाएंगे, तब हमने तुमको दूसरा ऑप्शन दिया था कि व्हाट्सएप चैट दिखा दो, ठीक है? दूसरा ऑप्शन हमने दिया था व्हाट्सएप चैट का, ना कि पहला ऑप्शन दिया था। पहले ऑप्शन में हमने काफी बार तुम लोगों को फोर्स करा था कि अपना सेटिंग्स वगैरह दिखा दो, जहां पे आप लोगों की प्राइवेसी आ रही थी। सेटिंग्स में ऐसा क्या रखते हो कि प्राइवेसी आती है भाई? अब एग्जैक्ट बात क्या थी जरा तुम सुनना और देखना कितने चोर की दाढ़ी में तिनके दिखेंगे तुम्हें यहाँ। बिल्कुल, कौन है? मैं ही हूँ गॉड। गॉड, आप अपना स्क्रीन से ऑन कर सकते हो? क्या करना है आपका? चेक करेंगे ना कि सेटिंग कि आपने आज गेम का चेक करेंगे, मतलब पता चल जाएगा उससे डिवाइस चल ना नॉर्मल। हाँ बट ब्रो तुमको भी चेक करेंगे हम।
अरे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना अगर आप लेजिटल हो। दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, वो प्राइवेसी होती है ना। प्राइवेसी क्या, वो हम कौन सा आपकी फोटोज निकाल निकाल के देख रहे हैं, हम तो सेटिंग में जाके बस ये देख रहे हैं कि आपने आज क्या यूज करा है, अब उसके अंदर फोटोज थोड़ी ना आ रही है। यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया कि तुम्हारी फोटो चेक नहीं कर रहे हैं, हम सेटिंग चेक करेंगे, उसमें कोई तुम्हारी प्राइवेसी क्यों आएगी, हम बैटरी की सेटिंग देखेंगे, जो कि कई बार मेरे लाइव स्ट्रीम पे हजारों लोगों के सामने कई टीम के प्लेयर्स ने लाइव कराए। डिवाइस चेक नहीं करा सकते ब्रो। क्यों? प्राइवेसी ब्रो, ऑफिशियल बोलेगा तो करा देंगे। प्राइवेसी की चीज की, आप तो सेटिंग में जाके कौन सा कुछ भी हो ब्रो, चेंज नहीं कर सकते। अच्छा आप अपना पीओवी दे सकते हैं? पीओवी दे सकते हैं, पीओवी दे सकते हैं, पीओवी आप अपने सारे दे दीजिए। और डिवाइस चेक के लिए आप क्यों एग्री नहीं हो रहे, क्योंकि प्राइवेसी का तो कहीं भी एग्री नहीं होता। कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी मेरे को बोलता है, मैं सबको मना करता हूँ। ये चीज बोल, अभी दो मिनट पहले एक्लिप्स ने नहीं बोला था कि चारों प्लेयर जब भी थर्ड पार्टी टूर्नामेंट में उनको डिवाइस चेकिंग के लिए बुलाया जाता है तो जाते हैं, पीओवी मांगा जाता है तो पीओवी देते हैं। लेकिन भाई कुछ बात मैच नहीं कर रही है यहाँ पे। और डिवाइस सेटिंग्स देखने में बैटरी यूजेज जहाँ से सबसे ज्यादा डिवाइस चेकिंग होती है, हर एक प्लेयर को पता है, रिसेंटली डिलीटेड चेक करा जाता है, उसमें ये सामने से कैसे बोल दे रहा है कि मैं सबको मना करता हूँ, अपना डिवाइस कभी चेक करवाता ही नहीं, और सब लोग बोले इनको ऐसी प्राइस पूल पकड़ा देते होंगे। और जब क्लियरली तुमको बोला गया था कि अपनी डिवाइस चेक कराओ, अपनी सेटिंग्स चेक कराओ, तो तुमने कैसे बोल दिया कि मैं व्हाट्सएप चैट्स दिखाने पे फोर्स किया जा रहा था? ऐसा थोड़ी ना होता है। अभी ऑफिसर, आप चाहे तो मैं अभी ऑफिसर के बंदे को बुला दूं, उसके सामने करवाएंगे। अभी तक ये बोल रहा था आप कोई ऑफिशियल नहीं हो कि आपको डिवाइस चेक कराए, जब ई-स्पोर्ट्स न्यूज़ बॉय ने बोल दिया कि ऑफिशियल को ही बुला देता हूं, तो देखो कैसे शब्द फिर पलट लिए इसने। ऑफिशियल जब मेल करेगा हमको डिवाइस चेक कराओ तब करा देंगे। भाई बहुत बड़े नवाब है यार, ना ये किसी थर्ड पार्टी टूर्नामेंट को चेक करवाते हैं, ना ये बीजीएमआई के ऑफिशियल को चेक कराएंगे, ऑफिशियल्स मेल करेंगे इनको तब जाके चेक कराएंगे भाई। और अगर तुम इतने ही ज्यादा लेजिट हो तो बातें घुमा क्यों रहे थे? और अगर चलो घुमा भी रहे थे तो जब इन्हीं हैकिंग एलिगेशन के चलते फिनटॉक्स ने जब तुमको स्लॉट नहीं दिया था, तो तुम्हारा ओनर मेरे पास में जब बात करने आया तो उसने खुद ये बात कैसे मान ली कि गॉड बॉट की गलती थी वहां पे? मतलब वो कहते हैं ना भाई कि एक झूठ को छुपाने के लिए तुम्हें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ये यही हो रहा है। और तुम्हारी एक भी बात मैच नहीं हो रही, किसी भी बात का सेंस नहीं हो रहा, दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ पे पूरी की पूरी दाल ही काली है। अब एक चीज एक्लिप्स के ऊपर और निकल के आई थी, जरा सुनो। जिन लोगों को नहीं समझ में आया, इसकी आईडी पहले बैन पड़ी थी, ये वाली, जब बैन पड़ी तो इसने नई आईडी ली, उसके लिए बंदे को थैंक यू बोला और इस आईडी से अभी भी खेल रहा है। और ये बात अभी भी सच है, एक्लिप्स ने वो आईडी चेंज कर ली जिसपे बैन पड़ा था। इनफैक्ट अगर आप अभी भी जाके चेक करोगे तो इसने उस आईडी में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है रिसेंट टाइम्स में, तो वो आईडी इसने चेंज कर ली। लेकिन एक्लिप्स ने अपनी वीडियो में इस बात की ये सफाई दी कि बैन तो नॉर्मली सबको पड़ा था एक टाइम पे, वो ही मेरे को पड़ गया था, टेम्पररी बैन था बहुत ही छोटे टाइम पीरियड का। और वीडियो में अपनी आईडी खोल के दिखा दी कि देखो अनबैन पड़ी है और स्नेहिल तो झूठ बोल रहा है, और मैंने नई आईडी तो इस वाली ड्रेस के लिए ली थी, और मैं तुम्हें वही आईडी खोल के दिखा रहा हूं, अभी भी तुम सब जाके चेक कर सकते हो, यही आईडी नंबर है, यही आईडी नेम है। और करियर रिजल्ट्स में ये भी दिख रहा है कि बैन पड़ने के बाद से एक्लिप्स ने एक भी मैच नहीं खेला, तो इसी आईडी के मेरिट अगर आप चेक करोगे तो वो 48 है। तो ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब हैक करते हैं या चीटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, थर्ड पार्टी प्लगइन्स वगैरह, तो एकदम से बैन नहीं मिलता है परमानेंट, काफी बार आपको टेंपरेरी बैन मिल जाता है और आपके मेरिट उस टाइम पे 50 पॉइंट डाउन होती है। तो अगर सब बात का जवाब दिया था तो एक्लिप्स भाई से इस बात का भी जवाब मांग ले आप लोग। अब ये सवाल पूछोगे ही तो जरा दूसरा सवाल और कर लेना, जो इनका BGIS के टाइम का निकल के आया, वो एक POV गाड़ी देख लो, वो गाड़ी का बोर्ड वोट देख लो, मिल सकते वोट है। और उसके बाद में इन्हीं लेजेंडरी प्लेयर्स का रश आता है इनके ऊपर और ये लोग मर जाते हैं। और नाम देखना लेजेंडरी प्लेयर्स का क्या था और उसके बाद देखना डेथ रिप्ले पूरा। अरे यार मारी, कोई मुझे सबसे पहले ये बताओ कि अगर तुम जोन के बाहर से अंदर जा रहे हो तो तुम इस रिज से पहले ही कैसे उतर जाओगे? मतलब एग्जैक्ट इस पॉइंट पे पीछे वाले बंदे को कैसे पता है, रिज के पीछे है ये बंदा, उसको कैसे पता सामने कोई टीम है जो वो गाड़ी से उतर गया, चलती गाड़ी से, और इस टाइम पे ये लोग जोन के इतने बाहर है, इनको कैसे पता कि दो ही बंदे हैं केवल? तुम्हें अगर जोन बनाना है, तुम ऑन फुट रश कर रहे हो, दो बंदों के पास में बाइक है, तो तुम वेट करोगे कि ये प्लेयर्स निकल जाएं, लेकिन नहीं, इन्होंने यहां से इतनी दूर से मारा भी, नॉक करके दो बंदों ने गाड़ी से पुश भी
कर दिया बाइक से, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, जोन के इतने बाहर हो, पीछे से पहले ही बंदे को पता लग जा रहा है, रिच चढ़ने से पहले ही वो उतर जा रहा है, और फिर तुमने बस स्कोपिन करा, एंगल लिया और फिर सीधा मार के सीधा रश। तुम्हें नहीं पता वहां पे चार बंदे भी हो सकते थे, इनको बहुत अच्छे से पता है दो ही बंदे हैं। पता नहीं भाई ये अद्भुत शक्तियां ऑनलाइन मैचेस में कैसे आ जाती हैं, जैसे ही ऑफलाइन लैंड होता है तो इनकी पोजीशन 16 में से 13 रह जाती है, और वैसे ही बीच बीच में से काट के पीओवी डाल देते हैं और ऐसे दिखाते हैं लास्ट में स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपने ऐप स्टोर के, जैसे लेजेंड ही खेल रहे थे, बीच में से जब रिकॉर्डिंग काटी तब तो बैकग्राउंड में से चीटिंग सॉफ्टवेयर रिमूव हो ही नहीं सकते, तो वैसे वाले पीओवी तो बराबर आ जाते हैं तुम लोगों की साइड से। लेकिन गॉड बॉट ने जहाँ पे मेन स्पॉट करा है बंदा और उसके साथ जो पीछे बैठा था, उन दोनों में से किसी भी बंदे ने इसका कोई भी पीओवी डाल नहीं रखा है, और बीएमपीएस का स्मोक वाला पीओवी तुम लोगों ने देखा ही रखा है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो भाई 0.25x स्पीड में ये एक्स्ट्रा जूम करके दिखा भी रहे हैं कि एक बंदा स्पॉट हो रहा था, तो एक फोकस नाम की चीज होती है, तुम्हारा फोकस जहां पे होता है वहीं के अराउंड तुमको बंदे स्पॉट हो सकते हैं, ऐसे चलते फिरते कहीं और नजर मारते हुए तुरंत बंदा ऐसे स्पॉट नहीं हो जाता और वैसे नॉक भी नहीं हो जाता। और इसके अलावा जिस बंदे ने गॉड बॉट की एक्सपोज करी थी चार्ज हैक खरीदने की और यूज करने की, उसी सेम बंदे की जब जीएस के ओनर से बात हुई, तो जब वो ओनर को बोला कि तुम लोगों ने दूसरी टीम्स का हक मार के ग्रो किया है, तो रादर देन सेइंग कि हमने कोई हक नहीं मारा, हमने कोई हक नहीं करा, वो बोलता है कि उसे दूसरी टीम से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको उससे मतलब है और गाली देके बात करता है। दैट ऑल्सो स्पीक्स वॉल्यूम्स कि समवेयर डीप डाउन इवन ओनर को ये बात पता है कि इसकी टीम ने हैक करा है। और गॉडबॉट के सारे झूठ बोलने के बाद में, उसके हैक के चार्ज पकड़ने के बाद में, ऐसे पीओवीज आने के बाद में, आईडी बैन होने के बाद में एक्लिप्स की और मेरिट गिर जाने के बाद में, इनके डिवाइस ना चेक कराने के पीछे स्टूपिड से रीजंस के बाद में, ओनर की फालतू सी बातों के बाद में, और एक्लिप्स की वीडियोस में झूठ और मैनिपुलेशन के साथ में अपनी बातें प्रेजेंट करने के बाद में भी अगर तुमको लगता है कि ये टीम लेजिट है, तो तुम लोग घर में बैठ के पोगो देखो और अपनी स्कूल वाली क्रश की फोटोज पे नाइस पिक डियर कमेंट करते रहो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।